इंडिया में एडवोकेट बनने के लिए नॉट जस्ट योर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन या LLB सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एक और एग्जामिनेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIBE एग्जामिनेशन आपको पास करना होता है। एंड ये एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन है फॉर द प्रेजेंट ईयर 2023 का जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट, उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सब चीज आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमें इस एग्जाम के बारे में चलना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करेंगे, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो स्क्रीन पे जैसा आप देख सकते हो नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग आपका जो AIBE 18 इस ईयर 18 पड़ेगा, इट विल बी कंडक्टेड ऑन 29th of October 2023। तो ऐसा बोला जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि राजस्थान JLO के लिए जो लोग अपियर कर रहे हैं उनके साथ आपका ये एग्जामिनेशन क्लैश करेगा। सो दैट इज टू बी सीन कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। AIBE एग्जामिनेशन जो है वो बार बार कंडक्ट होता है, साल में दो बार भी कंडक्ट होता है। इस ईयर थोड़ा इशू रहा है इस एग्जामिनेशन को लेके, कुछ कोर्ट लिटिगेशन भी रहा है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इस एग्जामिनेशन को दोबारा नेक्स्ट ईयर दे सकते हो अगर RJLO आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना, एंड इफ़ यू कैन नॉट डिसाइड। ऑल दो लेट्स होप कि यहाँ पे एप्लीकेशंस जाएंगी और ये लोग इस डेट को शायद चेंज कर दे, वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट ऑल्सो इन फ्यूचर। डेट अगर चेंज होती है आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू माई कम्युनिटी पोस्ट। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस हियर ऑन यूट्यूब। अब ये एग्जामिनेशन की जो रजिस्ट्रेशन है ये प्रोसेस 16th August से आपका स्टार्ट हो चुका है, एंड 30th September की आपकी डेट है जब लास्ट आपको ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपका एडमिट कार्ड वगैरह 20th October के अराउंड आ जाएगा, एंड 29th को हमें पता है एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लिंक क्लियरली दिया हुआ है, यहाँ पर लिंक पे क्लिक करोगे तो देन यू विल लीड टू गेट टू द पेज जहाँ पर सारी और डिटेल्स दी हुई हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस। जैसे एप्लीकेशन प्रोसेस का मैं ब्रीफ में आपको बता देती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बिफोर अप्लाइंग यू हैव दीज डॉक्यूमेंट्स इन हैंड। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपका इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, 10th 12th के सर्टिफिकेट्स, LLB की जो सर्टिफिकेट आपकी डिग्री 3 ईयर्स की वो ज़रूरी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मतलब कि जिस भी स्टेट के साथ आपने एनरोल किया है, जिस स्टेट के बार के साथ आपने एनरोल किया है वहां से आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट मिला होगा, वो अटैच करना है। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, कास्ट से हो, वो सर्टिफिकेट एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस दी हुई है कि वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए। मेक श्योर कि आप पहले से ही उसको कन्वर्ट करके रख लीजिए, बिकॉज अदरवाइज वो अपलोडिंग में डिफिकल्टी देता है। देन रजिस्ट्रेशन की बात करोगे तो एप्लीकेशन जब आप वेबसाइट पर जाओगे रजिस्टर पे, आपके यहाँ पर जो मैंने ये लिंक बताया यहाँ पर जब आप जाओगे यहाँ पर क्लियरली पेज पे आप पहुँचोगे तो ये यूजर लॉगिन पेज पर पहुँचोगे। इफ़ यू क्लिक ऑन रजिस्टर हेयर देन योर प्रोसेस विल स्टार्ट कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अपना नेम, नंबर, मोबाइल एड्रेस, पासवर्ड, ये सब चीज़ें डालोगे, उसके बाद OTP आएगा, फिर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी जहाँ पर जाने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल्स डालोगे, जो भी उन्होंने पूछा है वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द पेमेंट प्रोसीजर। सिंपल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है। देन वन थिंग दैट आई वुड वॉन्ट यू टू नोटिस कि सिलेबस, येस वी विल कम टू द सिलेबस, बिफोर दैट लेट अस सी द वेबसाइट। यहाँ पर एक क्लियरली वार्निंग फ्लैश हो रही है क्योंकि एक लिटिगेशन चल रहा है, बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन निकाला था रिगार्डिंग द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दैट दे वॉन्ट टू चेंज द पैटर्न। दोज थिंग्स आर अंडर प्रोसेस, अभी कोर्ट के सामने हियरिंग चल ही रही है। कि अभी पास्ट में आपने देखा होगा, हमने कवर भी किया था कि एक क्वेश्चन आया था कि क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यू नो प्री योर LLB डिग्री, आपकी LLB क्वालिफाई करने से पहले कंडक्ट हो जाना चाहिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है स्टूडेंट्स का। ऐसी जो amicus curiae अपॉइंट हुए थे इस केस में उनका ऐसा रिकमेंडेशन था, तो वो सब चीज़ें कोर्ट ने बोला था कि ये बार काउंसिल के ऊपर है टू डिसाइड दैट वेदर दे वॉन्ट टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन प्री और पोस्ट। तो ऐसे बहुत सारी लिटिगेशन चल रही है, उसमें से एक चीज़ है रिगार्डिंग द नोट्स। पहले क्या होता था, आप हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी ले जा सकते थे इस एग्जामिनेशन में, बट इफ यू विल सी ऑन द स्क्रीन नाउ दे रिस्ट्रिक्टेड इट कि आप सिर्फ बेरैक ले जा सकते हो, और बेरैक में भी वो बेरैक्स जिसमें नीचे नोटिंग ना हो।
वो विदाउट कमेंट्स वाले बैनर्स चलेंगे। हाउएवर दे हैव सेड कि अगर ऐसी कोई कॉपीज अवेलेबल नहीं है जिसमें शॉर्ट नोट्स ना हो, वो आपको अलाउ कर दिया जाएगा इफ द कैंडिडेट्स हैव प्रेड फॉर इट, दे हैव मेड एन एप्लीकेशन फॉर इट। तो जस्ट इनकेस आपको वो बैरैक्स नहीं मिल रहे हैं जिसमें नीचे शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, लेट मी शो इट टू यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, ऑल्दो अभी तक आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो भी सेक्शन है उसमें नीचे आप यहाँ देखोगे कॉमेंट्स वगैरह दिए होते हैं, नीचे यहाँ कॉमेंट्स ये नहीं होने चाहिए। सो दे आर आस्किंग यू टू गेट द बैरैक्स जिसमें कॉमेंट्स ना हो। तो मेक श्योर कि आप ऐसे ही बैरैक्स लें। अगर इशू है देन यू कैन राइट टू देम एंड दे कैन एक्सक्यूज यू फॉर इट, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फिर से बैरक खरीदने पड़ेंगे, प्लस क्रिमिनल लॉज जो हैं वो चेंज हो गए हैं, सो दैट्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। दे ऑल्सो डू अलाउ यू टू गेट डाउनलोडेड कॉपीज, आप इंटरनेट से भी कॉपीज डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जा सकते हो, बट देन दे शुड बी विदाउट द नोट्स। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस देखते हैं इस एग्जामिनेशन का, तो सिलेबस में आपके पास ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए हैं। मेजर आपके सब्जेक्ट्स कौन से बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, फैमिली लॉ, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स बनते हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट टॉट के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी लॉ, ये सब इंक्लूडेड है, तो ये मेजर चंक बनता है। जैसे आप देखोगे कुछ ऐसे लॉज हैं जिनके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी आपको कि आप डीपली पढ़ने बैठ जाइए, जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट है, 2 क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं, साइबर लॉ है, 2 क्वेश्चन है। तो रादर देन दैट आई वुड से कि मेजर जो चंक है उस पर फोकस कीजिए, बाकी जो आपको डिफिकल्टी लग रही है गेट द बैरैक, तब उस टाइम पे बैरैक से देख लीजिएगा वहां के क्वेश्चन। बट अभी के लिए आई वुड से कि मेजर ये जो लॉज हैं जिनके आप वेटेज ज्यादा देख रहे हो, दैट यू आर सपोज टू स्टडी फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ आई वुड से कि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि नया लॉ पढ़ें कि पुराना पढ़ें। हियर यू विल सी दे सेड आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी। तो पहली बात तो यहाँ पर बीएनएस, बीएनएसएस जो हमारा नए लॉज हैं जिनके नए नाम हो चुके हैं, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वो वैसे भी बिल स्टेज में है, वो एक्ट नहीं बने हैं, कोड्स नहीं बने हैं, वो चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, अगर आप 2024 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन दोगे तो शायद ये चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, बट अभी ये सिलेबस यही है। तो पुराने लॉज ही आपको पढ़ने हैं, आप पुराने बैरैक्स ही अपने यूज कर सकते हो। एंड जस्ट इन केस आपको फिर भी पता करना है न्यू लॉज में क्या है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ जहां पर मैंने आपको बताया है कि मेजोरिटी में क्या चीजें हैं जो उस इन लॉज में चेंज हुई है। बहुत ज्यादा भी चेंज नहीं आए हैं, 8-9 न्यू प्रोविजंस हैव बीन एडेड इन आईपीसी, सीआरपीसी रिस्पेक्टिवली। तो वो नए प्रोविजंस क्या हैं उनको जानने के लिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। अदरवाइज फॉर दिस एग्जामिनेशन आई वुड से कि जस्ट गो बाय दिस पर्टिकुलर पीडीएफ जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मेजर लॉज वो पहले तैयार करो, छोटे लॉज जो हैं जिनके 2-2 मार्क्स का, 2-2 क्वेश्चंस का वेटेज है वो आप बाद में कर लेना, या फिर वो आप बेरैक्ट से भी कर सकते हो। ये एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली बेरैक्ट से सॉल्व करे जा सकते हैं, आपने अगर आपने एलएलबी में सिंसेरली पढ़ाई करी है, चाहे आपको चीजें याद ना हो बट आपको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि बेरैक्ट में कहाँ पे आपको ये चीज मिल जाएगी, कौन से सेक्शन में। अगर सेक्शन नंबर भी नहीं याद है तो भी कुछ लोग मैंने ऐसा देखे हैं, कुछ लोग जिनको यही आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि ये क्वेश्चन का आंसर बेरैक्ट में कहाँ मिलेगा, तो उनके लिए मैं जरूर बोलूंगी दैट यू गो थ्रू द बेरैक्ट, एटलीस्ट बुक से नहीं तैयारी कर रहे हैं, बेरैक जरूर खोल के एक बार देख लीजिए, इंडेक्स जरूर पढ़िए, देखिए कि क्या सेक्शन किस चीज के बारे में बात करता है, ताकि एग्जामिनेशन में आप क्लूलेस ना हो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है एग्जामिनेशन का, एंड इट इज क्वाइट मैनेजेबल। एंड ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हेल्प इन मटीरियल, आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो www.lawdigest.in, जहाँ पर हम आपको AIB एग्जाम का मटीरियल ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, एंड वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ जस्ट इन केस इस एग्जाम को लेके कोई आपके दिमाग में क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड आई विल गेट बैक टू यू। मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो ताकि आप अपडेटेड रहो चीजों से। अगर डेट मान लीजिए जेएलओ एग्जामिनेशन के साथ जैसा सुनने में आता है कि ये क्लैश कर रही है, अगर डेट चेंज भी होती है तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। ऑल्दो यू नो अगर आपकी डेट क्लैश हो रही है, आप जेएलओ के लिए भी तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन साल में रिपीटेडली होता है, 2 बार होता है, तो आप दोबारा भी एग्जामिनेशन दे सकते हो इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ जॉब, तो एंड जेएलओ आपकी प्रेफरेंस है, उस केस में मैं आपको ये एडवाइस दूंगी।
अदरवाइज एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल, सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस.